सो गाइस सैमसंग M10 और M20 के बाद आ चुका है अपना सैमसंग M30 एंड ये है एक बजट फ्रेंडली फ़ोन। सैमसंग आजकल बजट फ्रेंडली फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सैमसंग M30 के बारे में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेसिफिकेशन है इसका, काफ़ी अच्छी फ़ोन है ये। सो चलिए जान लेते हैं सैमसंग M30 के बारे में और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस इंट्रो के साथ। सो स्टार्टिंग विद द अनबॉक्सिंग गाइस, ये है सैमसंग M30 का ऑफिशियल बॉक्स। पीछे की अगर बात कर ले तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई है। सबसे हाईलाइटिंग फीचर है यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी, बहुत मैसिव बैटरी है वो भी फास्ट चार्जिंग के साथ, और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का टैग भी लगा हुआ है, दैट्स अ गुड थिंग। कमिंग बैक टू द अनबॉक्सिंग गाइस, सबसे पहले इसका डिब्बा खोल लेते हैं, मतलब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और अनबॉक्सिंग करते सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे सैमसंग M30 मेन कॉन्टेंट। इसको बाहर निकाल लेते हैं, पीछे से देख लो। आगे मिलेगा आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क जिसको कोई भी नहीं पढ़ता है, और आगे मिलेगा आपको यहाँ पे 15 वॉट का फास्ट चार्जर विथ USB-C टाइप केबल। दोनों ही मिला के काफ़ी कमाल का लगता है मेरे को, क्योंकि मुझे फास्ट चार्जिंग वाले मोबाइल बहुत अच्छे लगते हैं। सो दैट्स इट फॉर द अनबॉक्सिंग। रुको, यहाँ पे एक छोटा सा सिम इजेक्टर टूल भी है। सो गाइस बात कर लेते हैं सैमसंग M30 के बारे में, और उससे पहले मैं कर लेता हूँ इसको स्विच ऑन क्योंकि बात करनी यार। सो डिज़ाइन के मामले में सैमसंग M30 काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यूनिबॉडी डिज़ाइन है इसकी गाइस पीछे से, और ग्रेडिएंट डिज़ाइन भी है। ग्रेडिएंट डिज़ाइन गाइस आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फैशन में आजकल सारे मोबाइल में आ रहा है आपको, और ब्लू और ब्लैक का काफ़ी अच्छा मिक्सचर से लगता है। इन हैंड भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, और आपको पीछे में एक चीज़ नोटिस हो गई होगी, वो है इसका ट्रिपल रियर कैमरा, उसके बारे में बात कर लेंगे आगे। सो मोबाइल स्विच ऑन हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बात करूँगा इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो फोन के राइट साइड में आपको मिलेगा वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन, बॉटम में आपको मिलेगा स्पीकर ग्रिल्स, चार्जिंग पोर्ट टाइप सी है यहाँ पे गाइस आपको देखने वाली बात होगी, और आपको यहाँ पे 3.5 mm जैक भी मिलता है जो कि एक अच्छी बात है। और फोन के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा सिम ट्रे जो कि एक ट्रिपल सिम स्लॉट है, निकाल के देख लेते हैं। जी हाँ गाइस, ट्रिपल सिम स्लॉट है, इसका मतलब है कि आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो फर्दर मेमोरी कार्ड लगा के, और ये सपोर्ट करता है 256 GB तक जो कि एक अच्छी बात है। और गाइस सैमसंग M30 का जो बिल्ड है वो आपको पॉलीकार्बोनेट है, इसका मतलब कि प्लास्टिक ही बिल्ड क्वालिटी कह सकते हो तुम इसको, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी। इन हैंड काफ़ी अच्छा फील आता है, और आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर TPU केस कवर भी नहीं मिला है, इसका मतलब थोड़ा सा आपको खरीदना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी वैसे, सैमसंग को आपको यहाँ पे TPU केस कवर जरूर देना चाहिए। और गाइस फ्रंट साइड से आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो इस मोबाइल की सबसे अच्छी चीज़ है। आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलता है, इस प्राइसिंग रेंज में सबसे अच्छी डिस्प्ले है इस मोबाइल के पास। और नो डाउट गाइस सैमसंग की जो डिस्प्ले होती है वो सबसे अच्छी होती है, और आपको यहाँ पे M30 की जो डिस्प्ले फ्लैगशिप डिस्प्ले से कम नहीं है बिल्कुल भी। और गाइस यहाँ पे आपको जो बैटरी मिलती है 5000 mAh की बैटरी है, 15 वॉट का चार्जर है। सो गाइस ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग M30 एक एंटरटेनमेंट बेस्ड फोन है, और एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए जिसको कंटेंट देखना बहुत पसंद होता है, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है बहुत ही क्रिस्प है, और आपको यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। इंटरनल्स की अगर बात कर लें तो दो वेरियंट में अवेलेबल है मोबाइल आपको, 4GB प्लस 64GB और 6GB प्लस 128GB, और स्टार्टिंग प्राइस इसकी 15,000 रुपये से है। और इसका जो रैम है गाइस आपको यहाँ पे LPDDR4 रैम है जो कि सबसे अच्छा रैम है, और इसमें आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। और अगर बात करते हैं इसके इंटरनल्स की तो एक्जीनोस का आपको 7904 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, 1.8 GHz पे क्लॉक दी है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। सो गाइस प्रोसेसर आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, स्नैपड्रैगन 632 के साथ साथ वाला काम करता है। सो उसके हिसाब से आपको यहाँ जो पबजी है वो मीडियम ग्राफिक्स पे बहुत आराम से चल जाएगा, और जो सैमसंग का जो यूज़र इंटरफेस है उसके साथ काफ़ी अच्छा ये मैच करता है। मैंने यूज़ किया है इसको और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छी थी इसकी, और ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका परफॉर्मेंस वाइज। और गाइस हाईलाइटिंग फीचर की अगर बात कर लें तो इसका जो ट्रिपल रियर कैमरा है वो आपको जो स्पेसिफिकेशन है इसकी, 13 MP का जो कैमरा वो मेन कैमरा है, 1.9 aperture के साथ आता है। उसके बाद आपको 5 MP का जो कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और अगेन 5 MP कैमरा मिल जाता है जो कि डेप्थ सेंसर है। सो गाइस तीनों मिलकर कैमरा काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, और जो कैमरा सैंपल आपको देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, मैंने भी एक दो फोटो ली थी यहाँ पे आपको मैंने पुल की, और इसका जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुपर अल्ट्रा वाइड लेंस है। और गाइस सैमसंग ने इस बार काफ़ी अच्छा ख्याल रखा है अपना सेल्फी लवर्स के लिए,
आपको फ्रंट साइड में आपको मिल जाएगा यू शेप्ड नॉच, और उसके अंदर आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर जो कि काफ़ी अच्छी सेल्फी ले लेता है। मतलब कि आपको काफ़ी सारे इसमें फिल्टर्स भी हैं, ब्यूटिफिकेशन भी है, और डिटेल भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी सेल्फी में, और ब्यूटिफिकेशन और फिल्टर्स काफ़ी ज़्यादा है इसके में। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन ऑडियंस और सेल्फी लवर्स को देख के काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है सेल्फी में। सेल्फी में आपको डिटेल्स भी हैं, ब्यूटिफिकेशन भी है, और काफ़ी अच्छा ओवरऑल जो कैमरा पैकेज है काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको M30 का। सो कैमरे के मामले में मुझे M30 काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसका ट्रिपल रियर कैमरा सच में काम करता है डिटेल्स के ऊपर, और आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा में ब्यूटिफिकेशन भी है और डिटेल्स भी है। और गाइस अपना M30 जो है एंड्रॉयड ओरियो पे चलता है, जल्द ही आपको यहाँ पे एंड्रॉयड पाई का जो अपडेट वो एक्सपेक्टेड है और आपको जल्दी मिल जाएगा देखने को। सो गाइस इतना ही कुछ था इस वीडियो के लिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना गाइस, और कुछ भी पूछना हो तो हिट मी ऑन इंस्टाग्राम @ShakibNiazi करके सर्च कर लो, मिल जाएगा पक्की बात है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।